वेलकम बैक टू माय चैनल आसास किचन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो इसे बनाने के लिए हमने ये एक तसला लिया है। तसले में हम एक कटोरी सूजी डालेंगे। कटोरी देख लीजिए, टिफिन है हमारा, तो ये एक कटोरी इसमें सूजी डाल देते हैं। उसी से आधा कटोरी गेहूं का आटा है, ये डाल देंगे। और अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, तो थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि नमक हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये थोड़ा सा नमक गया, थोड़ी सी लाल मिर्च जाएगी, और इसमें जाएगा अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा रगड़ के डाल देंगे। ये सब कुछ डाल दिया, अब इसमें जाएगा तेल। तो तेल के लिए हम थोड़ा सा इसमें इस तरह से कर लेंगे। ये गया तेल, इससे बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनेगा। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे एक साथ। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो भी हम करने वाले हैं उससे ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। और चलिए अगली तैयारी करते हैं। तो इसको एक साइड में रखेंगे। इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। इस कढ़ाई में हम जिस कटोरी से सूजी ली थी उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। तो मैंने एक कटोरी सूजी लिया था, आधा कटोरी आटा, तो हम इसमें भर के दो कटोरी पानी डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा और ले लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा दो कटोरी पानी हो गया। गैस को जला देंगे। आंच को फुल रखेंगे। इसमें थोड़ी सी जाएगी धनिया पत्ती। नमक मैंने पहले डाल लिया है। नमक डालने की इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, केवल धनिया पत्ती डालने की ज़रूरत है हमको। अगर हो तो ज़रूर डाल लें, ना हो तो कोई बात नहीं। आपके पास तिल हो तो तिल डाल सकते हैं। तो पानी को बढ़िया सा उबाल आ जाने देंगे। पानी में बढ़िया सा उबाल आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आटा है गैस को स्लो कर देंगे पहले। ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है ये हम इसमें डाल देंगे। सारा मिक्सचर इसी में जाएगा। इसको बढ़िया से चला देंगे, तो धीमे धीमे चलाएं ताकि पानी की छींटें आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि मैंने डाला है ना तो एक जगह ये बंद गया है। तो धीरे धीरे इसको चलाएं और गैस को बिल्कुल स्लो रखें। देखिए मैंने गैस को बिल्कुल स्लो रखा है और ये गाढ़ा होने लगा है। तो एकदम इसको हमें बिल्कुल डो के फॉर्म में लाना है। तो गैस को बिल्कुल स्लो ही रखें, तेज ना रखें, वरना आपका डो एकदम से जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। तो जल्दी से गाढ़ा नहीं करना है, इसको हल्का सा पकने देना है। तो देखिए ये अब बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो गैस को हम बंद करेंगे और ये जो हमारे करछुली में लगा है इसको एक चम्मच की मदद से छुड़ा लेंगे पूरा इस तरह से, और इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ऐसे ढक के रख देंगे, गैस को बिल्कुल बंद कर दें, गैस बिल्कुल ना चलनी चाहिए, और ये हल्का सा फूल जाए इसके बाद हम इसको एक तसले में निकाल लें। जब तक ये फूल रहा है, आटा हमारा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम इसकी बढ़िया से चटपटी से एक स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। कढ़ाई चढ़ा दिया है, वही इसमें डालेंगे सरसों का तेल। और तेल को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ा सा जीरा। गैस को स्लो कर देंगे और अब इसमें जाएगा ये प्याज। तो हम तो प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और इसी के साथ में ये हमने हरी मिर्च जो लिया है, अब गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हरी मिर्च लिया है तो हरी मिर्च जाएंगी। तो ये हमने कम से कम 4-5 हरी मिर्च मैंने काट लिया है। अदरक जाएगा, अदरक को मैंने किस कर लिया है। और अब इसे हम इतना भूनेंगे, इसको लाल नहीं करना है, इसका थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बस हमें इतना ही प्याज भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, तो इसको ट्रांसपेरेंट होने देते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी और इसी के साथ में हींग डाल देंगे।
इसे भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले से खुशबू अभी से अच्छी आने लगी है, तो ये हमने बाद में धीमी आंच कर दिया था। और अब इसमें जाएंगे ये आलू हमने लिए हैं, तो आलूओं को इस तरह से हाथ से तोड़ के डालेंगे। हमें इन्हें कद्दूकस नहीं करना है। तो इतने आलू मैंने तोड़ लिया, अब इसी के साथ जाएगा ये आमचूर पाउडर है, ये जाएगा। आप चाहें तो नींबू का रस डाल सकती हैं, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, तो तीखा आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला, और अब इसमें जाएगा काला नमक और सफेद नमक। तो नमक हमें स्वाद अनुसार डालना है, और इसी के साथ में थोड़ी सी हरी धनिया। ये लीजिए, सारी चीज़ें हमारी पड़ चुकी हैं, और अब इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो इस तरह से इन्हें इस तरह से दाबते हुए जो बड़े टुकड़े हैं वो फूट जाएंगे और मसाला भुनते भी जाएगा। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे पहले। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी बनके रेडी हो गई है, तो हम इसको ठंडा कर लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेते हैं। मैंने निकाल लिया है और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे एक तरफ, तब तक हम अपना आटा चेक कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है बढ़िया सा, देखिए। तो इसको हम निकाल लेंगे एक तसले में, और इसको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इसे हाथों से मसल मसल के चिकना करेंगे। तो ये सारा डो हमने निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए, और ये सारा छुड़ा लेते हैं। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, हम हाथों से छू सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसको अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। तो देखिए मैंने रगड़ रगड़ के इसको बढ़िया सा चिकना कर लिया है और बहुत अच्छा हो गया है। तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने पानी चढ़ा दिया है, इसमें हम एक प्लेट ढक देंगे और पानी में बढ़िया सा उबाल आने देंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक ये मैंने देखिए क्या लिया है, एक प्लेट लिया है, इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे ताकि जो भी नाश्ता हम बनाएं हम वो इसमें चिपके ना। तो तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना नाश्ता आपका चिपक जाएगा और निकालने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। तो ये देखिए मैंने बढ़िया से तेल लगा लिया है, इसको एक साइड में रखते हैं और चलते हैं अपना नाश्ता बनाना। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने देखिए इतना इतना डो लिया है इस तरह से, तो आप छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हो उस तरह से बना सकती हैं। इसके थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे और एक कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे। और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। तो स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, बस इस हिसाब से भरना है कि हम जो भी बॉल्स बनाएं वो फटे ना और अच्छे से पैक हो जाए। तो इस तरह से हम बढ़िया से पहले पैक कर देंगे इस तरह से, और इसको बढ़िया सा गोल कर देंगे इस तरह से, बिल्कुल भी मतलब कहीं से स्टफिंग निकलनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से गोल कर देंगे बढ़िया से इस तरह से। तो हमें इतने इतने बड़े बना लेना है, तो इसी तरह से हम बाकी के बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 6 बॉल्स बना लिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो मैंने ये अपने हिसाब से बनाया है, बड़े हैं थोड़े से, आप अगर छोटे छोटे बनाना चाहें तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं। तो अब इधर हम पानी देख लेते हैं, तो पानी में बढ़िया सा उबाल आ रहा है ये देखिए। तो अब इसमें हम ये जाली रख देंगे इस तरह से, और ये बॉल्स उठाएंगे इस तरह से रख देंगे। तो इन्हें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में रखना है ताकि अगर ये थोड़ा सा फूलेंगे भी तो ये चिपके ना। तो इस तरह से रखेंगे, हमारे सारे बॉल्स आ जाएं इसमें। तो ये देखिए 6 के 6 आ गए। अब जो इसमें हम ढकने वाले हैं वो मेरे पास इसमें इस तरह का ढक्कन नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये कटोरा लिया है, मैं इस कटोरे को इसमें
इस तरह से ढक देंगे। तो अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 8 मिनट तक पकने देंगे, क्योंकि सूजी हमारी पकी हुई है हल्की सी, तो इन्हें 8 मिनट ही पकने में लगेंगे। तो फ्रेंड्स 8 मिनट बाद आपको मिलते हैं। तो नाश्ते को पकते पकते 10 मिनट हो गए हैं, 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं कटोरे को, और नाश्ता हमारा पक के तैयार हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। तो गैस को बंद कर देंगे और इस प्लेट को भी निकाल लेंगे नीचे, लेकिन अभी हम इसको निकालेंगे नहीं, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा, इसके बाद हम ये सारा नाश्ता निकाल के तैयार कर लेंगे। तो जब तक हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, तब तक हम उसके लिए एक तड़का बना लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, तो थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे इसमें और थोड़े से तिल डालेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे या फिर गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि तिल बहुत ज़्यादा चिटकते हैं। तो गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है मैंने अभी, और इसी में थोड़े से ये मैंने मिर्च काट लिए हैं, ये डाल देंगे इस तरह से। तड़का हमारा हो गया तैयार, गैस अभी हमारी बंद है। थोड़े से लाल मिर्च डाल देंगे, इसको भी बढ़िया से मिक्स कर देंगे, और गैस हमारी बंद है। इधर हमारे जो ये बॉल्स हैं, हमारा जो नाश्ता है ये ठंडा हो गया है, तो देखिए बहुत अच्छे से निकल रहा है। तो अब इसको हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, गैस को जला देंगे, जला के गैस को धीमे रखेंगे, तेज नहीं करेंगे। एक एक करके सारा नाश्ता हम इसमें डाल देंगे। तो आपके घर में अगर वैसी वाली कढ़ाई है जिसमें अच्छे से चारों तरफ खाली रहती है, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं एक साथ सारे डाल देंगे और इनको धीमे से उलट पुलट के बढ़िया सा सेंक लेंगे इसी में। इस तरह से तो जब दोनों तरफ ये चिकने हो जाएंगे ना, तेल लग जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बढ़िया से हमने फ्राई कर लिया है इनको, और अब एक एक निकाल लेंगे इनको और इस प्लेट में रखते जाएंगे। और हमारा बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता तैयार हो गया है, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही हेल्दी है ये। तो सारा नाश्ता हम निकाल के तैयार कर लेते हैं पहले। तो ये लीजिए, हमारे आलू सूजी का नाश्ता बन के तैयार हो गया है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। और देखा आपने मैंने कितने कम तेल में इसे बनाया है, और ये इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। देखिए एकदम से बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता आप अपने बच्चों को खिलाएंगे, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे टिफिन में भी लगा सकती हैं, और बच्चों को शाम सुबह जब भी आपका मन हो, जब भी बच्चों का मन करे, तब बना के खिला सकती हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा आलू सूजी का नाश्ता? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।